कोई कमी नहीं, लोग अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों निश्चित तौर बुजुर्गों पर के साथ मान बेन जी आप हमारे साथ लगातार बने रहे। राजू श्रीवास्तव भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। राजू देखिए देश भर में मकर संक्रांति की धूम है, ऐसे में वाराणसी में क्या नजर आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि स्नान और दान का विशेष महत्व होता है आज के दिन। देखिए वाराणसी के लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में जो घाट बने हैं वो पूरी तरीके से इस समय मकर संक्रांति के नहान में पूरी तरीके से भरे पड़े हैं। फसलों पर बात करें तो लोग सर्दी के मौसम में भी जो आस्था है जो प्रबल है, यही वजह है कि लोग घाटों की पहुंच रहे हैं और स्नान ध्यान कर रहे हैं। आज के दिन की मान्यता है कि अगर आज के दिन स्नान ध्यान करते हैं तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यही वजह है कि लोग स्नान ध्यान करने के लिए लोग घाटों से उमड़े हुए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोग आज भिक्षा भी दान करते हैं। कहा जाता है खिचड़ी का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो आज लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, धन और अनाज की आज दान करते हैं। माना जाता है कि अगर आज के दिन जो धान पान है, जो दाल चावल है, अगर वो दान करते हैं तो धन में अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं होगी। और आज के दिन स्नान करने से सभी जो शरीर में रोग होता है उससे भी छुटकारा मिलता है, और कहीं ना कहीं आज से जो शुरुआत होती है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल, अयोध्या का रुख कर लेते हैं। अविनाश भी हमारे साथ अयोध्या से बने हुए। अविनाश क्या तस्वीर वहां पर, घाट पर क्या आप खड़े हैं, और अगर घाट पर खड़े हैं तो जरा श्रद्धालु से भी बातचीत करेगा कि श्रद्धालु किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस बार चूंकि मकर संक्रांति का मौका इसलिए भी खास है क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और देखिए अगर हम सरयू घाट की बात करें तो चूंकि इसकी एक अपनी विशेष धार्मिक मान्यता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहां पर खुद तीर्थराज प्रयाग आते हैं अपने पाप को धोने के लिए, तो वैसे में मकर संक्रांति के मौके पर हर साल, ना सिर्फ इस बार बल्कि हर साल, लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु होते हैं वो सरयू में डुबकी लगाते हैं। एक बार आपको तस्वीर दिखा दूं सरयू घाट की, तस्वीर की चूंकि सुबह का वक्त है लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त आपको सरयू घाट पर देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए तस्वीर है सरयू घाट की, चूंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी चल रही है, तो वैसे में सुबह से ही, चूंकि सुबह 6 बजे से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त में आज सरयू में स्नान करना काफी पवित्र माना जाता है। और चूंकि स्नान के बाद यहां पर लोग बड़ी तादाद में दान भी करते हैं, तो एक अपनी धार्मिक मान्यता है, अयोध्या की धार्मिक मान्यता है, सरयू की धार्मिक मान्यता है, और यही वजह है कि हर रोज हजारों की तादाद में यहां पर लोग तो आते ही हैं, लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर जो ये मौका होता है वो बेहद खास हो जाता है कि यहां पर आया जाए और सरयू में डुबकी लगाई जाए। तो देखिए कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश भी करते हैं कि आखिर वो क्या, किस तरीके से यहां पर आए हैं और क्या उनकी जो धार्मिक मान्यता है उसको लेकर क्या सोचते हैं। कहां से हैं आप? अयोध्या। अच्छा, अयोध्या से हैं। इस बार तो मौका काफी खास है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये मकर संक्रांति का त्योहार पड़ रहा है, तो क्या कुछ तैयारी है और कितना उत्साह दिख रहा है आपको इस वक्त? तो मनाया जाएगा बिल्कुल, श्री राम हमारे आ रहे हैं, हमारे अयोध्या में विराजमान होंगे 22 तारीख को। हम लोग अपने घर पे दिया जला के बढ़िया खुशियां मनाएंगे, बाकी तो दर्शन तो होगा बाद में, लेकिन जो आ रहे हैं खास वो लोग दर्शन करेंगे, हम लोग तो हमेशा रहेंगे, दर्शन तो हमेशा होगा हम लोगों का। मकर संक्रांति के त्योहार को किस तरीके से मना रहे हैं? सब बढ़िया चल रहा है, बस खुशी का माहौल है, बाकी सब श्री राम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है, और कहीं ना कहीं लोग इस उत्सव में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि अगर हम बात करें आज की, तो चूंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है, और देखिए ये तो सरयू घाट की तस्वीर हो गई, लेकिन अगर हम अलग अलग मंदिरों मठों की बात करें तो वहां भी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं दर्शन और पूजन के लिए। सबसे पहले सरयू में स्नान किया जाता है। कुछ और श्रद्धालु इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, कहाँ से आए आप लोग? जी हम लोग मैनपुरी से आए हैं। अच्छा, मैनपुरी से आए हैं, तो सरयू में स्नान वगैरह? बहुत आनंद आया एकदम से, और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सरकार की तरफ से, और सारी सुविधाएं सभी को मिल रही हैं, सारे जो भी यात्री आ रहे हैं हर तरीके की सुविधाएं, भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। मकर संक्रांति के मौके पर सरयू में स्नान को काफी पवित्र माना जाता है, लेकिन देखा जाए तो इस बार जो मौका है वो इसलिए भी खास है क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और उससे पहले मकर संक्रांति का ये पवित्र त्यौहार किस तरीके से देखें? जी ये बहुत ही पावन देखो संयोग बनने जा रहा है, ये 500 वर्ष बाद जिसकी हम बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, और हमारे कई सारे पूर्वज तो चले भी गए ये सपना देख करके कब रामलला विराजेंगे मंदिर में, जो हमें सौभाग्य मिल रहा है ये,
तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे आंखों के सामने ऐसा होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। माता जी 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उससे पहले मकर संक्रांति का ये पवित्र मौका, पवित्र त्योहार, कितना दुर्लभ संयोग मानती है? ऐसे हम इतना दुर्लभ मानते हैं कि हमारी जिंदगी ठीक है। अविनाश जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ ऋषिकेश से अमित भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित देखिए जब देश भर में मकर संक्रांति की धूम है और कहीं ना कहीं स्नान और दान का विशेष महत्व होता है और जब भी बात स्नान की आ जाती है तो ऋषिकेश इसमें सबसे प्रमुख होता है क्योंकि तीन नदियां गंगा यमुना सरस्वती कहीं ना कहीं यहां पर होती है और ऐसे में लोग आस्था की जो डुबकी लगाते हुए यहां पर नजर आते हैं। क्या नजारा देख पा रहे? माना जाता है और बात करें अगर गंगा स्नान की तो गंगा स्नान करके लोग अपने पुण्य के भागी बनते हैं और मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर त्रिवेणी घाट में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही 4 बजे से जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी होगा और जो श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तराखंड के जो आसपास के अन्य राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और सुबह से ही गंगा घाट में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और माना जाता है कि मकर संक्रांति के जो ये पर्व है इसमें खासकर ये एक खिचड़ी का पर्व भी इसको बोला जाता है। इस दिन लोग अपने दान वो स्नान करने के बाद यहाँ पर जो निर्धन है और जो जरूरतमंद है उन लोगों को दाल और अन्य चीजों का दान करते हैं और साथ में पुण्य के भागी बनते हैं और मकर राशि का सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने के कारण यहाँ पर मकर संक्रांति का जो पर्व है अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है और हर साल त्रिवेणी घाट में जो संख्या है इसमें लगातार बढ़ोतरी होती है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए जो श्रद्धालुओं की जो बड़ी संख्या को देखते हुए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। गंगा घाटों पर जल पुलिस लगाई गई है कि किसी भी तरीके से कोई श्रद्धालु के साथ अनहोनी ना हो और साथ में जो ट्रैफिक का डायवर्जन भी किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को आगमन में भी कोई दिक्कत ना हो। सभी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से दुरुस्त की गई है और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह से लगातार यहाँ पर जारी है और भारी ठंड होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं का यही कहना है कि उनके जो आस्था है आस्था के आगे ये ठंड भी फीकी पड़ रही है उनके आस्था के सामने। बिल्कुल अविनाश आपका रुकना।